हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आज हम पोस्ट ऑफिस के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, तो देर न करके वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन हुई फॉर्मेट डेली रिपोर्ट ऑफ आरएमएस इज प्रिपेयर्ड। तो कौन सी फॉर्मेट है जिनमें आरएमएस का डेली रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है। आरएमएस का डेली रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है कौन से फॉर्मेट में, MS-83 में। MS-83 में आरएमएस का डेली रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑफ आरएमएस सबमिट इज डेली रिपोर्ट टू होम। तो जो एचएस होता है, आरएमएस का जो एचएस होता है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, वो अपना जो डेली रिपोर्ट है किसको सबमिट करते हैं। तो किसको सबमिट करते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस को। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस को हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट अपना डेली रिपोर्ट सबमिट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट इज डिस्क्राइब्ड इन हुच रूल ऑफ पोस्टल मेल वॉल्यूम 7। तो प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट जो है वो पोस्टल मेलियन वॉल्यूम 7 के कौन से रूल में आता है। तो कौन से रूल में आता है, रूल 28 में। तो 28 रूल 28 में आता है प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम वर्ड लिमिट ऑफ एन एयर मेल बैग और एयर ट्रांजिट बैग। तो क्या बोला है, एक एयर मेल बैग और एयर ट्रांजिट बैग का मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 30 kg। 30 kg होना चाहिए एक एयर मेल बैग और एयर ट्रांजिट बैग का मैक्सिमम वेट। 30 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक एयर मेल बैग और एयर ट्रांजिट बैग का वेट। ठीक है फ्रेंड्स, ए ऑर्डर्स एंड बी ऑर्डर्स आर इशूड बाई होम। तो आरएमएस का जो ए ऑर्डर्स होते हैं और बी ऑर्डर्स होते हैं, दोनों ऑर्डर्स कौन इशू करते हैं। तो कौन इशू करते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस जो है, जो होता है, वो ए ऑर्डर्स और बी ऑर्डर्स को इशू करते हैं। मेल बैग्स इज डिस्क्राइब्ड इन हुच रूल ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7। तो मेल बैग जो होता है, मेल बैग, तो वो कौन से रूल में आता है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के। तो आता है रूल 26। रूल 26 में आता है मेल बैग्स। एयर मेल बैग इज डिस्क्राइब्ड इन हुच रूल ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7। तो जो एयर मेल बैग है, एयर मेल बैग कौन से रूल में आता है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के। तो आता है रूल 26A। तो रूल 26A में आता है एयर मेल बैग और रूल 26 में आता है मेल बैग। बीट रिलेटेड विथ हु रिलेटेड विथ हुज रूल ऑफ पोस्टल मेलन वॉल्यूम 7। तो बीट जो है, तो वो पोस्टल मेलन वॉल्यूम 7 के कौन से रूल में आता है। बीट पोस्ट ऑफिस का, आरएमएस का जो बीट होता है वो आता है रूल 55 में। तो रूल 55 में आता है, आरएमएस का जो बीट होता है वो आता है रूल 55 में। कैम कारेस्पोंडेंस इज डिस्क्राइब्ड इन हुज रूल ऑफ पोस्टल मेलन वॉल्यूम 7। तो जो कैम कारेस्पोंडेंस है वो कौन से रूल में आता है पोस्टल मेलन वॉल्यूम 7 के। तो रूल 56। रूल 56 में आता है कैम कारेस्पोंडेंस। लेड लेटर्स और टू लेड लेटर्स इज डिस्क्राइब्ड इन हुज रूल ऑफ पोस्टल मेलन वॉल्यूम 7। तो लेड लेटर्स जो होते हैं और टू लेड लेटर्स जो होते हैं, वो पोस्टल मेलन वॉल्यूम 7 के कौन से रूल में आता है। रूल 56A। रूल 56 में आता है लेड लेटर्स और टू लेड लेटर्स। मिससेंड और मिसडायरेक्टेड आर्टिकल इज डिस्क्राइब्ड इन हुच रूल ऑफ पोस्टल मेलन वॉल्यूम 7। तो जो मिससेंड एंड मिसडायरेक्टेड आर्टिकल है वो कौन से रूल में आता है पोस्टल मेलन वॉल्यूम 7 के। तो आता है रूल 57 में। रूल 57 में आता है, रूल 57 में आता है मिससेंड एंड मिसडायरेक्टेड आर्टिकल। हु कैन परमिट ऑफिशियल्स ऑफ मेल ऑफिस मे एंटर इन टू द मेल वैन। तो मेल ऑफिस का जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो उसको मेल वैन में एंटर करने के लिए कौन परमिशन देता है। तो कौन परमिशन देता है, पोस्ट मास्टर जनरल। तो PMG जो होता है पोस्ट ऑफिस का, पोस्ट मास्टर जनरल परमिशन देता है एक मेल ऑफिस का जब कर्मचारी होता है उसको मेल वैन में एंटर करने के लिए। द की ऑफ KHDB इज टू बी फॉरवर्डेड इन हुई टाइप ऑफ कोबार। तो KHDB का जो की होता है, कैश ट्रांजिट बैग का जो की होता है, वो कौन सी कोबार में फॉरवर्ड किया जाता है। तो सील्ड कोबार में। सील्ड कोबार में KHDB का जो की होता है वो सील्ड कोबार में फॉरवर्ड किया जाता है। KHDB इज डिस्क्राइब्ड इन हुज रूल ऑफ पोस्टल मेलन वॉल्यूम 7। तो जो KHDB है, कैश ट्रांजिट बैग, KHDB कौन से रूल में आता है पोस्टल मेलन वॉल्यूम 7 के। रूल 41। 41 रूल में आता है KHDB। हु कैन एग्जामिन द KHDB। तो KHDB कौन एग्जामिन करते हैं, कौन निरीक्षण करते हैं, कौन निरीक्षण करते हैं KHDB को। तो
तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट हेड ए जैसे जो होता है, ए जैसे जो होता है वो केज टीवी को एग्जामिन करते हैं। हु कैन एग्जामिन द क्लोज ट्रांजिस बैग, तो क्लोज ट्रांजिस बैग जो होता है तो वो कौन एग्जामिन करता है क्लोज ट्रांजिस बैग को, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट ए जैसे, मेल गार्ड और मेल एजेंट, ये तीनों में से कोई एक क्लोज ट्रांजिस बैग को एग्जामिन कर सकते हैं, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड और मेल एजेंट। हु कैन एग्जामिन द अकाउंट बैग और आधार बैग इनसाइड द ट्रांजिस बैग, तो ट्रांजिस बैग के अंदर जो अकाउंट बैग होता है और आधार बैग होता है और कोई भी बैग होता है वो कौन एग्जामिन कर सकते हैं, तो ट्रांजिस बैग के अंदर जो 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 भी जो कुछ भी है वो मेल गार्ड और मेल एजेंट द्वारा एग्जामिन किया जाता है, मेल गार्ड और मेल एजेंट द्वारा एग्जामिन किया जाता है ट्रांजिस बैग के अंदर जो कुछ भी होता है। ट्रांजिस बैग मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड एंड सील्ड इन द प्रेजेंस एंड सुपरविजन ऑफ होम, तो ट्रांजिस बैग जो है वो क्लोज एंड सील किया जाता है किसके प्रेजेंस और सुपरविजन में, किसके उपस्थिति में, तो वो होता है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड मेल गार्ड और मेल एजेंट, ये तीनों में से कोई एक को प्रेजेंट होना चाहिए ट्रांजिस बैग क्लोज होने के समय, ट्रांजिस बैग क्लोज एंड सील होने के समय ये तीनों में से कोई एक को प्रेजेंट होना चाहिए, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड मेल गार्ड और मेल एजेंट में से कोई एक। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेल गार्ड एंड मेल एजेंट इन हुज रोल ऑफ पोस्टल मैन वॉल्यूम 7, तो मेल गार्ड और मेल एजेंट का जो ड्यूटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन से रूल में आता है, तो वो आता है रूल 105, रूल 105 में आता है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेल गार्ड और मेल एजेंट। एक्सचेंज ऑफ मेल्स इज डिस्क्राइब्ड इन हुज रोल ऑफ पोस्टल मैन वॉल्यूम 7, तो एक्सचेंज ऑफ मेल, मेल का जो एक्सचेंज होता है एक्सचेंज ऑफ मेल्स वो कौन से रूल में आता है पोस्टल मैन वॉल्यूम 7 के, रूल 40 में, रूल 40 में आता है एक्सचेंज ऑफ मेल्स। तो फ्रेंड्स आज हम पोस्टल के टॉप 20 क्वेश्चन किए हैं, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।